जी क्या कहेंगे भाई? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा मेरा बच्चा भी इसमें आइस का इस्तेमाल करता था और बंद के करता है। अच्छा। तो इस दफा जो हज में लोग जा रहे थे, मेरी वाइफ जा रही थी, तो मैंने बेटों में उसका इंतखाब किया कि आप चले जाओ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये 40 दिन का था, वो 40 दिन वहाँ रहना था, उसने हज करके अभी इतवार को आएगा, इस संडे को इंशाल्लाह। तो मैंने कहा जी 40 दिन वहाँ गुजारेगा, वहाँ ये चीज इसको नहीं मिलेगी। मिलेगी, वो कुट के चुरुट कर दे देंगे, वो इतने सख्त ने इस बारे में, अल्लाह माफ करे ये अरब्स। जी तो अल्लाह का, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उससे जान छूट जाए इंशाल्लाह। मैंने वो गारमेंट्स की दुकान पर, अपनी दुकान है उसमें वो काम करता है, काम पे भी सही जाता है, सेल वगैरह ये सब जब वो होता है गिराज भी अच्छे आते हैं, और मतलब है कि पैसों में भी हेर फेर नहीं करता। लेकिन जब आता है रात 12 बजे, यहाँ गुलशन स्टील टाउन में मैं रहता हूँ कराची। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर मतलब है रात 1 बजे तक दुकानें खुली होती है। जी 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 जी। वो जब वो आ जाता है तो फौरन मुँह धो के चला जाता है और रात तकरीबन 3 बजे वापस आएगा, वहाँ दोस्तों के साथ बैठा रहता है। मैंने बहुत कोशिश की मारने से भी, भाइयों ने मारा ये हो, लेकिन मैंने कहा यार इसका मारने का नहीं है। बहरहाल हमने मशवरा किया से इसको कहीं केपी भेज दिया जाए, अहमदाबाद मानसेरा, वहाँ मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये, लेकिन मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में हर जगह ये चीज मिलती हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको तो ऐसा जो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और 40 दिन वाला जो था वो हज पे चला है। ये भाईजान आप थेरेपी क्यों नहीं कराते? एक मेरी तरफ से आपकी एक रिक्वेस्ट है कि अब वो वापस आएगा, उसकी आदत छूट चुकी होगी इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन अब आपने उस पे उकाब की नजर रखनी है, क्योंकि एक दफा जिन लोगों को ये इसका चस्का पड़ जाए उनको फिर पता भी होता अच्छा है कि कहां से मिलेगी। I will differ to this. आप क्योंकि मुझे मेरे दोस्त इस तरह के ना, अगर आप उस पर नजर रखेंगे आप यकीन माने कहीं ना कहीं नजर चुरा के वो कर लेगा। मेरा जो मशवरा आपको है, हलीमा को ऑफ कोर्स सही कह रही है, लेकिन आप उसे थेरेपिस्ट के पास भी लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास से मेडिकेशन होगी, ये आदत मेडिकली छुटेगी, ये ऐसे नहीं छुटेगी। हम पूछते हैं भी नबीला से, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और मेरी और हलीमा की दुआएं आपके बच्चे के साथ है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतने प्यारे घर से आ रहा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नबीला, व्हाट डू यू हैव टू से जी? इसका जो ट्रीटमेंट है 120 डेज, 4th मंथ का होता है, जिसमें ब्रेन नॉर्मलाइज होता है, मेडिकेशन प्लस साइको